गाइज वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑन माय चैनल एक्सप्लोर आफ्ताब। तो आज हम आए हुए हैं साइकिलिंग करके। कहाँ आए हुए हैं क्या आप गेसेस कर सकते हैं? हम आए हुए हैं आज पडुबिद्री बीच पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये साइकिल मेरी यहाँ मैंने पार्क कर दी है और ये बीच की पार्किंग है। अब आगे चलता हूँ और आपको बीच दिखाऊंगा। आपसे एक व्लॉग में वादा किया था कि आपको बीच का नज़ारा दिखाएंगे पडुबिद्री बीच का, तो आज आपको। वेलकम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो ये बीच का एंट्रेंस है और ये कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। देखिए, वेलकम टू पडुबिद्री बीच, वहाँ कन्नड़ में कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ शॉप्स हैं जो कि चाय वगैरह या स्नैक्स वगैरह देते हैं। और ये इसका गेट, और चलते हैं अंदर। और छोटे छोटे स्नैक्स की दुकानें हैं, काफी साफ सुथरा बीच है, आप वहां देख सकते हैं। और भी सिटिंग अरेंजमेंट्स उधर भी हैं। आगे ये एक ट्रस्ट के द्वारा मेंटेन किया जाता है बीच प्रेजेंटली। और ये देखिए कितना खूबसूरत और साफ सुथरा बीच है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये दिखता है। वगैरह भी हैं और देखिए देखिए छोटी छोटी स्नैक्स की दुकानें वगैरह हैं। डस्टबिन जगह जगह पे डस्टबिन की अरेंजमेंट है कि लोग अपना जो कूड़ा है कचरा है डस्टबिन में डालें। ATVs देखिए शाम को यहाँ खेलने के लिए। और काफी लंबा चौड़ा बीच है ये। हाँ, लाइफ गार्ड्स को आप देख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बीच है ब्लू फ्लैग बीच का मतलब ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बीच डेवलप होगा। करीबन 8 करोड़ का इसका बजट है। इसको एक इंटरनेशनल बीच के स्टैंडर्ड के मुताबिक डेवलप किया जाएगा और यहाँ पे कई इवेंट्स होते रहते हैं आए दिन। तो और पूरे कर्नाटक में इकलौता बीच है जहाँ पे कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है जिसको। तो इस बीच के लिए काफी प्राइड की बात है। और करीबन 25 किलोमीटर्स साउथ ऑफ उडुपी है और 30 किलोमीटर्स नॉर्थ मैंगलोर के है। और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत बीच है। मैं आपके अपने पीछे दिखाऊं आपको, तो ये बोट्स आप देख सकते हैं, ये सुबह फिशिंग के लिए यहाँ से निकलेंगी और ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाती हैं, दो किलोमीटर तक के डिस्टेंस पर जाती हैं। और बहुत ही कई इवेंट्स होते रहते हैं यहाँ आए दिन, तो अच्छे स्टैंडर्ड्स के, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आसपास के बहुत से लोग सुबह यहाँ मॉर्निंग वॉक्स के लिए और इवनिंग को अपने आप भी देख सकते हैं कैसे एंजॉय करने के लिए आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। आसपास के जो बाकी बीच है वहाँ ज़्यादातर फिशिंग होती है, इस तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं है कि लोग एंजॉय कर सकें, बट इस बीच पे काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है। दोस्तों, मैं सनसेट देखने आया था बट अब सन जो है वो ऑलरेडी सेट हो चुका है, काफी क्लाउड था इसकी वजह से कुछ ज्यादा देख नहीं पाया। बट आप गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। छोटा सा वीडियो था।